हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल डिजिटल टॉपर। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था अपनी, कि मैं आपको बताऊंगा कैसे स्केच काटते हैं राइटिंग बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्केच काट कर लिखे तो राइटिंग पर इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है, तो बस वही वीडियो में लेके आया। तो जैसे कि ये आप स्केच जब निकालते हैं नया स्केच, तो ये आपका ऐसे रहता है, तो उसकी टिप आप ऊपर से निकाल दीजिए, ठीक है। फिर पीछे से वो दूसरी टेप निकाल लीजिए और ये उल्टा करके इसको इसके अंदर डाल दीजिए। फिर ये इसका रिफिल खराब लगा कर, और ये देखिए आगे की इसकी निप लंबी हो जाती है। फिर आप इसको एक साइड से स्लोप वाइज काट देंगे, ऐसे आगे से हल्का पतला, ठीक है। ये देखिए कैसे कटा है, ठीक है। फिर इसको उसी साइड अपोजिट साइड से काटना है, फिर उतना ही स्लोप और आगे तक ले जाना है ताकि बराबर हो जाए ऐसे, ठीक है। हाँ, तो बस उसको एक साइड से थोड़ा टेढ़ा करके काटना है, जैसे कि ये ऐसे रखना है आपको कॉपी पे ऐसे, ठीक है। फिर आपको टेढ़ा काटना है ऐसे, ये ठीक है। अब ये कट चुका, तो बस अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब आपको क्या लिखना है, कुछ भी। जैसे मान लिया रामायण लिखनी है, ये देखिए आपका लिख गया उसी राइटिंग उसी सेम। और जैसे इंग्लिश में लिखना है अभी आपको, तो उसको जस्ट अपोजिट साइड कर लीजिए, तो रा मा यन ये लिख गया, ठीक है। जैसे आपका कोई नाम जैसे लखनऊ लिखना है, लखनऊ, तो आप थोड़ा आराम से लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अगर जो आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट सब करिए, और आगे चैनल को और शेयर करिए ताकि और भी ज़्यादा बच्चे देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। डिजिटल इसका नाम जैसे कि हमारे चैनल का है डिजिटल टॉपर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में हाँ कमेंट ज़रूर करिए ताकि प्रक्रिया पता चलती रहे कि क्या है। कोई गलती हो तो बताइएगा, उसको सुधारी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपके बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट।